नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौकरी दिलाने के नाम पर घर बुलाकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पिछले शुक्रवार की रात नावदार के अमतला इलाके में नवादा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया के पति संजीव राय उर्फ छोटका ने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर अपने घर बुलाया और घर में बंद कर दिया। पूरी रात घर में रखा और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। शनिवार सुबह यह घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नोएडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पूर्व मुखिया के पति को गिरफ्तार कर थाने ले गई और बाद में अदालत भेज दिया गया। कथित तौर पर महिला को अस्वस्थ हालत में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि मुख्य आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ ना की जाए और दोषियों को फांसी ना दी जाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। নেশাগ্রস্ত করিয়ে সারা রাত ধরে গ্যাংরেপ করা হয়েছে, তাকে ভয় দেখানো হয়েছে, পিস্তল দেখানো হয়েছে, মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার কোনো শাস্তি হলো না, তাকে রিমাইন্ডে নেওয়া হলো না এবং তার সাথে যারা ছিল তাকে সবাই মিলে ধর্ষিত করা হয়েছে। যারা এই ধর্ষণে ছিল তাদেরকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার কেন করা হলো না তার জবাব চাই। বিটাইম নিউজ কে লিয়ে মুর্শিদাবাদ সে বিলন সরকার কি রিপোর্ট।